मोहिनी एकाशी व्रत कथा पूरन पूजा विधि और व्रत पारण कब करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, मोहिनी एकाशी जो कि वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की ग्यारस के दिन आती है। इस दिन भगवान के पुरुषोत्तम रूप की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को शनान आदि करा उत्तम वस्त्र पहना उच्च आसन पर बिठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया, आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा इसलिए जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप और दुख दूर होकर वह मोहजाल से मुक्त हो जाते हैं। अतएव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में धृतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय प्याऊ कुएं तालाब धर्मशाला बनवाए। सड़कों के किनारे आम जामुन नीम के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना सद्बुद्धि मेधावी सुकृति और दृष्ट बुद्धि नाम के पांच पुत्र थे। उसके चार पुत्र तो धर्मात्मा थे परंतु सबसे छोटे बेटा दृष्ट बुद्धि महापापी लंपट और दुराचारी था। वह वैश्यों और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मध्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं और दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया